आज हो गई है वेंसडे की शाम और टाइम हुआ जाता है हमारे जाने का। I wanted something spicy and this is very spicy. Assalamualaikum everyone and welcome back to our channel. I hope सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ्स को इन्जॉय कर रहे हैं। वेल, हम पाकिस्तान पहुँच आए हैं फाइनली और हम आते साथ ही सो गए थे बिकॉज़ वी वर रियली 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 टायर्ड। और अभी हम जो है वो इवेंट की तैयारी करने लगे हैं। आपको पीछे सब कुछ नज़र आ रहा होगा, बिखरा हुआ वो मेरा और सामा का सूट लटका हुआ है जो हमने आज रात में पहना है। सो यस, यहाँ पे बहुत ही जो है ना क्या चल रहा है, कियोस मचा हुआ है हर जगह, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। और मैंने अभी ज़रा अपनी चीज़ें सेट की हैं ताकि मैं आराम से रेडी हो सकूं। सो लेट्स जस्ट गेट रेडी। कुछ समझ नहीं आ रही है, एक तो आप ऑलरेडी जो है ना ट्रैवल के बाद उड़े हुए होते हैं तो ऊपर से लाइक आपको एक आदत होती है कि आपने किस तरह से चीज़ें अपनी सेट की हुई हैं या किस तरह से आप यूज़ करते हैं अपनी चीज़ें। तो मुझे ज़रा थोड़ी सी सेटिंग बनानी लगी, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। नाउ आई एम गोना गेट रेडी, लेट्स होप कि मैं टाइम से रेडी हो जाऊं बिकॉज आई कैन नॉट बी लेट टू दिस इवेंट। प्लीज़ इग्नोर एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड। ओके, सो बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। जैसा कि आप सबको पता है दैट आई हैव एन एटसी शॉप जहाँ पर मैं डिजिटल आर्ट प्रिंट सेल करती हूँ। सो द एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ कि दिसंबर के पूरे महीने के लिए वहाँ पर एक सेल चल रही है विदाउट एनी रूल्स एंड एक्सेप्शंस। एंड इवन बेटर न्यूज़ इज़ कि द सेल इज़ फ्लैट 40%। जी हाँ, दिस इज़ द सेल यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस एट एनी कॉस्ट। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने लिए, अपने घर के लिए या अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही थॉटफुल से गिफ्ट खरीद सकते हैं। द ग्रेट थिंग अबाउट माई डिजिटल आर्ट प्रिंट्स इज़ दैट ये खूबसूरत तो हैं ही, नो डाउट, बट इन आर्ट प्रिंट्स की एक सबसे अच्छी बात यह है कि हर आर्ट पोस्टर इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू। मैंने ये पोस्टर्स बहुत थॉटफुली बनाए हैं फॉर एनीवन जिसे अपने अराउंड मोटिवेशन या पॉजिटिविटी की जरूरत है। हर दफा जब आप पोस्टर्स को देखते हैं तो यू आर रिमाइंडेड ऑफ समथिंग वेरी पावरफुल। सो हर पोस्टर आपको 5 साइजेस में अवेलेबल होता है और आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक छोटा साइज, बड़ा साइज, लंबा साइज, चौड़ा साइज, जैसा भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से प्रिंट करा सकते हैं। सो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस सेल का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि ऐसी जबरदस्त सेल आपको शायद कहीं और मिले। एंड थैंक यू टू एवरीवन ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर दिस चैनल एंड माय ड्रीम्स, क्योंकि क्लियरली आप लोगों के बगैर ये चैनल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट जंप राइट बैक इनटू आवर वीडियो और लेट्स होप कि मैं इजीली रेडी हो सकूं। टेंशन समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, किधर हैं चीज़ें मेरी, क्या हो रहा है। लेट मी जस्ट फाइंड माई स्टफ। 24 घंटे के ट्रैवल के बाद जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो ऑब्वियसली काफ़ी थक गए थे। रेंटल कार हमें रिसीव करने टाइम से पहुँचाई थी, सो एबटाबाद तक का सफ़र आराम से कट गया। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद 4-5 दिन कैसे गुजरे ये हमें भी पता नहीं चला। बिल्कुल इसी क्लिप की तरह बाकी सफ़र भी चीज़ें ढूंढने, समेटने और भागते भागते लोगों से मिलने में ही गुजर गया। इवेंट 2 दिन का था, सो इवेंट के बाद मैं अपने घर चली गई। पाकिस्तान आते हुए मैं बहुत मोटिवेटेड थी कि मैं अपने सफ़र की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। मगर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वीडियो बनाने का प्रोसेस न सिर्फ मुश्किल बल्कि बहुत गैर ज़रूरी और फिर मुझे बोझ लगने लगा, क्योंकि इस छोटे से ट्रिप में या तो मैं अपनी फैमिली पे फोकस कर सकती थी या इस बात पे कि ये सब मैंने आपके साथ भी शेयर करना है। सो हम जो है ना गुजारा चला रहे हैं। इट लुक्स फनी बट मुझे टेप कहीं नहीं मिली एंड सो हम इस जो टेप मिली है उसी से गुजारा चलाएंगे। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू बी यूजिंग डार्क कलर्स और इसलिए आई वॉन्ट के फॉल आउट जो है ना वो स्किन पर ना हो। तो लेट्स जस्ट सी इफ दिस हेल्प्स। हेलो
वीडियो बनाने के प्रोसेस में पहले दिन मैं लेट हो गई। सर रेडी होने के बाद मुझे किसी भी अपडेट को रिकॉर्ड करने का या अपनी फाइनल लुक रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने रेडी होना अपने अंदाजे से एक घंटा पहले ही स्टार्ट कर दिया ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने की मेरी मोटिवेशन भी कम होती जा रही थी, क्योंकि कैमरा को चार्ज रखना, उसको सेट करने के लिए जगह ढूंढना, लाइट का ख्याल करना, एंगल ढूंढना, सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना, किसी और को डिस्टर्ब ना करना, ये सब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेकअप करते हुए रिकॉर्डिंग करना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं था। ऑल्दो लाइट का इश्यू था जैसा कि आप देख सकते हैं, बट मैंने उसे वीडियो ना बनाने का बहाना नहीं बनाया। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है प्राइवेसी। हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ लोग व्लॉगिंग के आइडिया के लिए अभी वेलकमिंग नहीं है। अपनी लाइव कैमरा पर दिखाना जहाँ एक तरफ नुमाइश समझा जाता है, वहीं बुरी नज़र का डर भी सभी को रहता है। और ऑनलाइन अपना चेहरा दिखाना या तो अच्छा नहीं समझा जाता या फिर लोग ऑनलाइन अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करने से डरते हैं। और ये सभी व्यूज़ अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सो अपनी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल रखना हमारी प्रायोरिटी होती है। इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कनाडा में वीडियोस बनाते हुए हम दो ही लोग होते हैं और हमें वीडियोस बनाने के लिए कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती सिवाय इसके कि मुझे हिजाब लेना होता है। मगर घर पे वीडियोस बनाने के लिए हमें इर्द गिर्द के लोगों का सोचना पड़ता है कि वो हमारे वीडियो बनाने से अनकम्फर्टेबल ना हो, उन्हें अपनी लाइफ में कोई एडजस्टमेंट्स ना करनी पड़े। ओके जनाब, सो सीन्स कुछ यूँ हैं कि आज मुझे 1:30 बजे तक तैयार होना है। कल भी मैं लेट हो गई थी तैयार होते होते। सो मैं फाइनल लुक वगैरह और मतलब अपडेट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने देख लिया था कि मैं लेट हो रही हूँ तो मैंने वीडियो बनानी भी जो है ना वो बीच में स्टॉप कर दी थी। सो येस, दैट्स द सिचुएशन। अभी उसामा जाने लगे अपने कपड़े लेने के लिए ड्राई क्लीनर से, और मैं जो हूँ ना रेडी होना स्टार्ट करने लगी हूँ। जिससे याद आया कि मुझे वॉलेट ले जाना चाहिए, उसके अंदर सीधी पड़ी और पैसे थे। तो यस, आज मेरा गोल ये है कि मैं टाइम से पहले तैयार हो जाऊं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय द वे, जस्ट सो यू आर वंडरिंग, मैं वैसलीन की ये क्रीम लगा रही हूँ। दिस इज द बेस्ट फॉर विंटर्स। बेसिकली गिरा भी रही हूँ और लगा भी रही हूँ। और क्योंकि हम पाकिस्तान फैमिली के साथ टाइम गुजारने जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अपना टाइम अकेले गुजार रहे हों। हमारी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, लोगों से मिलना मिलाना होता है, कुछ और अपनी मसरूफियात भी होती हैं, तो इस सब में वीडियोस के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शायद आपको लगता हो कि वीडियो बनाने में मेहनत या टाइम नहीं चाहिए होता, मगर ये बात एक क्रिएटर ही जानता है कि वो वीडियो बनाने पे कितनी मेहनत करता है, चाहे आपको बज़ाहिर वो मेहनत नज़र आए या नहीं। ओके जनाब, सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, विच इज़ अ गुड थिंग। जस्ट सम फाइनल टचेस ऑन द मेकअप।
जस्ट लव हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस अ मस्कारा मेक्स इन योर मेकअप लाइक कंपेयर बोथ आईज. ओके जनाब, सो आई एम फाइनली रेडी ऑन टाइम एंड दिस इज माई फाइनल लुक. सो इसीलिए दो दिन में मेरी कैमरा उठा के फिरने वाली मोटिवेशन हवा हुई और मैं घर जाते हुए कैमरा उसामा के हवाले कर गई. घर जाके मेरा फ़ोन कहाँ है मुझे इसका भी होश बिल्कुल नहीं था. घर में सभी लोग जमा थे और हॉस्टल से मेरी बहन और कज़न भी आए हुए थे, लाहौर से मेरा भाई, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कज़न भी. सो घर पे हाउसफुल सिचुएशन थी और क्योंकि मैं बहुत थोड़ी देर के लिए गई थी तो मैंने सबको मिलने अपने घर ही बुला लिया था, जिसका रिज़ल्ट ये था कि नानों के घर से मेरी नानो, खाला, मुमानिया और कज़न सभी मुझसे मिलने के लिए आ गए थे. ऐसे में या तो मैं उनसे मिल सकती थी या ये फिक्र कर सकती थी कि मैं वीडियो बनाऊँ. खैर, इसी सब में एक सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात ये थी कि मैं अपनी भांजी से मिल पाई. हाँ जी, मैं रिसेंटली खाला बनी हूँ और ये ट्रिप बाय चांस इस सब के साथ ऐसा अलाइन हुआ कि इससे परफेक्ट हो ही नहीं सकता था. सो मैंने घर में अपने दो दिन अपनी भांजी के साथ चिपक के ही गुजारे. उसे गोद में ले लेके घूमना, उससे बातें करना, हालाँकि उसे पता भी नहीं है कि बातें क्या होती हैं या मैं कौन हूँ, लेकिन शायद पहली बार खाला बनना ऐसा ही होता है. और फिर इसी तरह मुझे पता भी नहीं चला और हमारा पाकिस्तान का ट्रिप तमाम हुआ. ऐसे लगा जैसे कोई ख्वाब था जो आंख खुलने पर कहीं खो गया हो. इतनी जल्दी तो शायद एक रात भी नहीं गुजरती जितना जल्दी ये ट्रिप गुजर गया. जहाँ वापसी पे दिल उदास था, वहीं इस बात के लिए शुक्रगुजार भी कि चाहे थोड़ा ही सही हमें अपनों से मिलने का मौका मिला. कुछ कीमती लम्हे जो कि बहुत यादगार रहेंगे हमें अपनी फैमिली के साथ गुजारने का मौका मिला. मैं दोबारा पहली बार खाला भी नहीं बनूंगी, सो ये भी अच्छा हुआ कि मैं ये मोमेंट्स भी इंजॉय कर पाई. और फिर इन्हीं यादों को लिए हम अपने वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए. अब हम दुबई एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमें मज़ीद 14 घंटे इंतज़ार करना है. दो नाने हैं. के बाद हम फाइनली कनाडा पहुंच आए हैं. दिखाई ना बाहर कितना प्यारा लग रहा है. ओके, अब हम ये गेम खेलेंगे कि बैग हमारा कब आएगा.